तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग दोस्तों। आज के ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने यहाँ का गांव दिखलाऊंगा और उसके साथ साथ मेरे गांव में जो चीज़ें हैं जिसे आप लोगों को देखना चाहिए उसे भी आप लोगों को दिखलाने का प्रयास करूंगा। तो ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्लॉग पे बने रहे। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मेरा शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ था उस पर 1.2 के फिलहाल अभी व्यू है। ये मेरे द्वारा बनाया गया एकमात्र वीडियो है जिसपे मतलब के तक व्यू गया है। ये मेरा मतलब हर एक यूट्यूबर का सपना होता है कि उसका एक वीडियो में कम से कम 1K व्यू चला जाए। तो इसके लिए मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ। ये बात मैं आप लोगों को मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी है कि मेरा वह वीडियो पे 1K व्यू गया है। तो ऐसे ही आप अपने भाई के प्यार देते रहिए और वीडियो को देखिए, वीडियो को शुरू करते। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से मेरे गांव का कैसा व्यू है। अभी मैं अपने गांव के पूर्वी छोर पे हूँ जहाँ से मेरा गांव स्टार्ट होता है। उससे पहले दयालपुर गांव है और दयालपुर गांव जो मेरे गांव के साथ सटा हुआ है लेकिन उसको एक NH रोड अलग करती है। तो देखिए इधर का कैसा व्यू है। चारों तरफ आप लोगों को हरियाली ही नज़र आ रही होगी क्योंकि बारिश का मौसम है। लगातार 4 महीने से इधर बारिश हो रही है जिस कारण मक्का की फसल तो खराब हो गई, इस बार पूरा ख़त्म। लेकिन अभी धान की फसल लगी हुई है जो आप लोगों को मैं दिखलाऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहें। आपको एक उधर मिडिल स्कूल नज़र आ रही होगी, वहीं से मेरे गांव का एकमात्र वही मिडिल स्कूल है जहां पे हम लोग पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। यहां से ही मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई की है। तो देखिए इधर का कैसा व्यू है। आपको एक उधर पीपल का पेड़ नज़र आ रहा होगा। यहीं पर मेरे गाँव का एकमात्र यही मंदिर है जहाँ पर लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले इधर आकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। पे शादी से पहले एक पूजा होता है यहाँ पे। इसका मतलब मुझे भी उतना मालूम नहीं है लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को मैं बतला दूंगा कि यहाँ किस चीज़ की पूजा होती है पीपल के पेड़। अगर आप गांव में होगे तो आप लोगों को मालूम होगा। तो देखिए कैसा व्यू है। तो ब्लॉक पर बन रहे हैं, ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को। चलिए मैं वो मिडिल स्कूल दिखलाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी स्कूल के अंदर आ गया हूँ, स्कूल के फील्ड में। देखिए इधर कैसा व्यू, मेरे यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल कैसा है। देखिए यहीं से मैं अपना पढ़ाई किया हूँ। देखिए कैसा व्यू है। इसका नाम है उत्कर्मित मध्य विद्यालय। तो आप लोगों को ऊपर चल के दिखलाता हूँ, अभी स्कूल बंद है। देखिए कितना अच्छा साफ सुथरा है। अभी मैं ऊपर आ गया, 2 फ्लोर है इस स्कूल का। देखिए देखिए कैसा व्यू है। यही सब व्यू है इधर। तो मिडिल स्कूल तो आप लोग देख ही लिए मेरे गांव का। तो चलिए आगे बढ़ते, आप लोगों को कुआं दिखलाता हूँ। मेरे गांव में अभी 2 कुएं हैं, एक तो पूरा ख़त्म है और एक अभी बारिश के कारण पूरा भरा हुआ है ऊपर तक। तो चलिए आप लोगों को मैं कुआं दिखलाता हूँ। आप लोगों को ये सब देखे हुए होंगे लेकिन फिर भी जो लोग शहर में रहते हैं उनको वो कुआं देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ब्लॉग पे बने रहे। स्कूल से बाहर आ गया, अभी जा रहा हूँ आप लोगों को कुआं दिखलाता हूँ। जिस रोड से मैं आया था उधर ही जा रहा हूँ, अभी उल्टे साइड में। देखिए आपको मिडिल स्कूल नज़र आ रही होगी या नहीं। नहीं, उधर ही मिडिल स्कूल पास में, उधर से पैदल ही मैं आया हूँ। तो चलिए आगे चलते आप लोगों को। तो गांव का कच्चा रोड कैसा है देखिए, एकदम पतला रोड है। बस एक ही कोई आदमी इधर से जा सकता है एक साथ, और उसको अगर 2-3 आदमी को जाना है साथ में तो फिर इधर घास से जाना होगा। देखिए कैसा व्यू है इधर नीचे से। उधर मिडिल स्कूल है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा स्कूल। देखिए वो नज़र आ रहा है उधर। तो दोस्तों कुआं से पहले मैं आप लोगों को ये पेड़ दिखलाना चाहता हूँ। देखिए ये तार का पेड़ है, इधर से इसी पेड़ से तार निकलती है। आप लोगों को उसमें बर्तन लगी है जो आपको नज़र आ रहा है वह नहीं, उधर एक बर्तन लगी हुई है जिसमें अभी तारी भरी हुई है। देखिए ये तार का पेड़ है, ये शहर में नहीं मिलता है। देखिए इधर बहुत सारा ऐसा तार का पेड़ है, एकदम ऊँचा पतला लंबा होता है एकदम, और उतना ही ज़्यादा मजबूत भी होता है। इसका तो लकड़ी का भी कोई काम नहीं, बस जलावन के लिए काम आता है। लेकिन
दिन में लगभग 2 बार इस तारे निकल जाती है। चलिए आप लोगों को कुआं दिखलाता हूँ और इसके साथ साथ आगे धान की भी फसल लगी हुई है वो भी दिखलाऊँ। दोस्तों देखिए आम का बागान, इससे पहले तो आप शुरू वाले वीडियो में देखे होंगे जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ था यहीं पे मैं शूट किया था, लेकिन उस समय दिखलाया नहीं था। देखिए आम का बागान कैसा, अभी इसमें आम तो लगी हुई नहीं है, अभी गर्मी के मौसम में, अभी वही जून या जुलाई के महीने में आम लगती है। चलिए आप लोग, हम लोग पास ही में आ गए, देखिए व्यू कैसा है, पूरा एकदम बारिश से पूरा कीचड़ ही कीचड़। देखिए धान की फसल इधर पूरा, यहाँ से वहाँ तक धान की फसल, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी उधर धान की फसल लगी हुई, उस जो आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हो जंगल टाइप की, उसके बाद भी धान की फसल। देखिए नज़दीक से कैसा है ये, ठीक है, उधर ही कुआँ है, देखिए उधर आप लोगों को मैं कुआँ दिखाता हूँ, देखिए अरे देखिए बांस का पेड़, ये देखिए कुआँ पूरा एकदम भरा हुआ है ऊपर तक। पूरा एकदम कुआं लगता है कि देखिए पानी, यहाँ से आप इसको पानी बाहर आप निकाल सकते हैं, इतनी बारिश हुई है इधर। छोड़िए ये सब, देखिए व्यू कैसा है, व्यू का नज़ारा का मज़ा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को मैं अपने यहाँ का जो पीपल का पेड़ दिखलाया था उसके नज़दीक ले चलता हूँ का पेड़। अभी मैं वो उधर आ गया, देखिए यहाँ पर लोग कुछ बैठे हुए हैं, देखिए अभी तो 4 बज रही है तो सभी लोग अपने काम में लगे हुए, तो इधर कोई अभी नहीं है। शाम 5 से 6 बजे के करीब में इधर सभी लोग आएंगे, अभी बैठेंगे। देखिए चबूतरा बना हुआ है इधर, देखिए इसमें जो आपको एक पत्थर नज़र आ रहा है वो पत्थर नहीं है, हम लोगों का समझिए एक तरह का मूर्ति है। तो आपको जो वह पत्थर दिख रही है वो पत्थर नहीं है, एक तरह का मूर्ति समझिए, इसका नाम है हम लोग ब्रह्म बाबा बोलते हैं, हनुमान जी, बजरंग बली, शिव जी और यही सब है। यहाँ पे एक अपना गांव का एक खुद का एक मतलब कल्चर है इधर, ब्रह्म बाबा, बन्नी गुरैया, बहुत सारा ऐसे देव है, देवता बोल सकते हैं, जो घरेलू देवता शो इधर है जो आप देख रहे होंगे। कोई भी गांव में अगर कोई पुण्य काम हो तो इधर से स्टार्ट होता है। तो चलिए ब्लॉग को आज ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें। तो अगर आप मेरे ब्लॉग में अगर कोई त्रुटि हो जाए या मुझसे कोई गलती हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, मैं अब आने वाले ब्लॉग में ये सब धीरे धीरे इंक्रीज करता रहूँगा। तो चलिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, जय हिंद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।